हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से हम कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट इनकी एंट्रीज़ टैली के अंदर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्ट्रा भाउचर के बारे में बताया, पेमेंट भाउचर के बारे में बताया और रिसिप्ट भाउचर के बारे में बताया। साथ ही साथ उस पर मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराई है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो फिर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ पहले इन तीनों वीडियोस को देखें, जिसमें मैंने कॉन्ट्रा वाउचर को समझा रखा है, पेमेंट वाउचर को समझा रखा है और रिसिप्ट वाउचर को समझा रखा है। उसके बाद ही आप अगले वीडियो की तरफ जाएं या फिर इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब तीनों क्वेश्चंस की एंट्री मिक्स हो, मतलब जब क्वेश्चन मिक्स हो, ठीक है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी एंट्री कॉन्ट्रा से होगी, कौन सी एंट्री पेमेंट से होगी और कौन सी एंट्री रिसिप्ट से होगी। अगर मैं एक ओवरव्यू दूं तीनों का, तो कॉन्ट्रा से हम उन एंट्रीज़ को करते हैं जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो, या फिर यूँ कहें जिसमें कैश डिपॉजिट किया जा रहा हो बैंक में, बैंक से पैसे को निकाला जा रहा है यानी विड्रॉ किया जा रहा हो, या फिर एक बैंक से पैसे को दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया जा रहा हो। इन तीन सिचुएशन में हम कॉन्ट्रा भाउचर को प्रायोरिटी देंगे या कॉन्ट्रा भाउचर से उस काम को करेंगे, उस ट्रांजेक्शन को करेंगे। बात करें अगर पेमेंट भाउचर की, तो पेमेंट भाउचर में हम क्या करेंगे, किसी भी प्रकार का पेमेंट करना होगा, जैसे वो सैलरी पेड हो गई, रेंट पेड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हो गया, वो सभी पेमेंट भाउचर से। या फिर अगर आपको कोई फिक्स असेट खरीदना है, तो उसके बदले में भी जो आप करेंगे वो पेमेंट भाउचर से ही करेंगे उसकी एंट्री को। रिसिप्ट पेमेंट का ठीक उल्टा होगा, पेमेंट में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो रिसिप्ट में आप पेमेंट को पा रहे होंगे। जैसे आप किसी को सैलरी दे रहे हैं तो आपको उसकी एंट्री पेमेंट भाउचर में डालनी होगी, और किसी से अगर सैलरी ले रहे हैं तो उसकी एंट्री आपको रिसिप्ट में डालनी होगी। सिमिलरली अगर आप किसी को रेंट दे रहे हैं तो उसकी एंट्री पेमेंट में होगी, और रेंट पा रहे हैं किसी से तो उसकी एंट्री रिसिप्ट में होगी। अगर आप कोई फिक्स असेट खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री पेमेंट से होगी, और अगर आप कोई फिक्स असेट बेच रहे हैं तो उसकी एंट्री रिसिप्ट में होगी। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कॉन्ट्रा थोड़ा अलग है। इन तीनों का एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है और इसके अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चंस को बनाना है। लेकिन उससे पहले कोई भी क्वेश्चन आप डायरेक्ट टैली में नहीं बना सकते, पहले आपको उसका जर्नल करना होता है। जब तक आप उसकी जर्नल एंट्री नहीं करते, जब तक आप उसका लेज़र नहीं पोस्टिंग करते, जब तक आप उसका ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट नहीं बना लेते, तब तक आप टैली में इसकी एंट्री नहीं करें। करने पर होगा क्या कि हो सकता है आप कोई गलत एंट्री कर दें तो टैली एक चार्ट प्रिपेयर करके दे देगा, बट अगर हमने इसकी एंट्री मैनुअली कर रखी होगी तो गलती अगर सॉफ्टवेयर में हो रही है तो भी हमें पता चल जाएगा, या अगर हमने अपनी कॉपी में गलती कर रखा है तो भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका मैनुअली ज़रूर करें। ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर जर्नल एंट्रीज करें। तो चलिए मैं बता रहा हूँ, बिजनेस स्टार्टेड, ये क्लास में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी ऐसा होगा तो जिस चीज़ से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा और बदले में कैपिटल यानी कि पूंजी को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कैश अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल का खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जितना भी अमाउंट है वो यहाँ डाल देंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन है बॉट फर्नीचर। बॉट मतलब होता है खरीदना। फर्नीचर खरीदा 15,000 का, तो 15,000 का फर्नीचर खरीदा है, इसलिए फर्नीचर एक फिक्स असेट है, और फिक्स असेट खरीद कर आएगा तो वो डेबिट होगा, क्योंकि रूल ही है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड कैश इसके बदले में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि ये पहला क्वेश्चन कौन से भाउचर से आप बना सकते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये जो पहला क्वेश्चन है वो रिसिप्ट भाउचर का है, क्योंकि बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें फिक्स असेट खरीद रहे हैं और बदले में पैसे दे रहे हैं, तो ये पेमेंट भाउचर का क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन किसका है, पेमेंट भाउचर का। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है बॉट मशीनरीज, तो मशीन खरीद रहे हैं, सिमिलरली जैसे फर्नीचर खरीद रहे थे वैसे ही मशीनरी खरीद रहे हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। मशीनरी का खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जबकि कैश का खाता क्या हो जाएगा,
क्रेडिट हो जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद में डिपॉजिट इन बैंक, देखो यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट करने की बात आ गई, तो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है इसलिए बैंक पाने वाला खाता है, रिसीवर है, इसलिए इसको डेबिट कर दिया, और पैसे जा रहे हैं इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। तो सिंपल तरीके से ये हो गया। आगे अगर हम बढ़े तो सैलरी रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन को सैलरी दी नहीं है बल्कि मोहन से सैलरी पाई है, इसके लिए क्या करेंगे हम? अच्छा, मोहन से सैलरी पाई है, उधार का तो सेंस नहीं है, तो यहाँ मोहन से हमें कोई मतलब नहीं है। हमने सैलरी के नाम पर क्या पाया? कैश पाया। किस नाम पे? सैलरी के नाम पे। और किसने दिया ये? तो ये दिया हमारे मोहन ने। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन कहता है रेंट पेड टू आकाश, फिर नाम को यहाँ पर हम इग्नोर करेंगे, रेंट पेड है, एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर ला इसलिए डेबिट होगा, तो रेंट पेड अकाउंट डेबिट, और रेंट किससे दिया होगा? कैश से। डन। उसके बाद सात नंबर, गिव अ चेक टू रमेश एज क्रेडिट। अब यहाँ एज क्रेडिट मतलब होता है उधार में, तो रमेश को एक चेक दिया उधार समझ के कि लो ये उधार है वापस कर देना, तो पैसे किसको जा रहे हैं? रमेश को, और जा कहाँ से रहे हैं? बैंक से। तो यहाँ रमेश के खाते में पैसे गए, और गए कहाँ से? बैंक से। समझ गए? अगला अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है सैलरी पेड टू रमेश, रमेश को सैलरी दी, तो यहाँ नाम को हमें क्या करना होगा? इग्नोर। सैलरी पेड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। सैलरी पेड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद गेट अ चेक फ्रॉम रमेश, रमेश से चेक पाया, तो जब रमेश से चेक पा रहे हो तो वो चेक ले जाके बैंक में डालेंगे, बैंक का खाता डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और रमेश का खाता क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, तो बैंक से जब पैसा निकालेंगे तो कैश डेबिट हो जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि कौन सा क्वेश्चन किस भाउचर से बनेगा, ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये बनेगा आपका रिसिप्ट भाउचर से, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये किससे बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका रिसिप्ट भाउचर यानी कि F6 से, ठीक है, ये बन जाएगा आपका F6 से। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बनेंगे किससे? पेमेंट भाउचर से। ये दोनों ही क्वेश्चन बन जाएगा किससे? पेमेंट भाउचर से, क्योंकि फर्नीचर खरीद रहे हैं जो कि फिक्स असेट है, मशीनरी खरीद रहे हैं जो कि फिक्स असेट है, जब भी फिक्स असेट को खरीदा जाएगा तो वहाँ पेमेंट भाउचर लगेगा। अब यहाँ पैसे जमा किए जा रहे हैं बैंक में, और जब भी बैंक में पैसे जमा करने होंगे तो वहाँ पे कॉन्ट्रा भाउचर का प्रयोग किया जाएगा। फिर यहाँ पे है सैलरी पेड हो रही है, मतलब पेमेंट भाउचर का प्रयोग होगा, सॉरी सैलरी रिसीव हो रही है ना, तो रिसिप्ट भाउचर का प्रयोग होगा। F6 मैंने लिख दिया, F6 रिसिप्ट भाउचर होता है। रेंट पेड हो रहा है, तो पेड हो रहा है तो F5, ठीक है। रमेश जो है, रमेश को पैसे दिए जा रहे हैं बैंक के द्वारा, तो जब भी किसी को पैसे देने होते, चाहे वो कैश से देने हो चाहे वो बैंक से देने हो, ठीक है, डन। सैलरी पेड की जा रही है, पेड की बात आ गई, पेमेंट ही होगा, ठीक है, पेमेंट बैंक और रमेश के बीच हो रहा है, यानी पैसे क्या हो रहे हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, रमेश से पाए जा रहे हैं, रमेश से पैसे पाए जा रहे हैं, और जब भी पैसे पाने की बारी होगी तो F6, ठीक है, और कैश और बैंक के बीच में लेन देन हो रहा है, ये कॉन्ट्रा का क्वेश्चन है। डन। तो इस तरीके से आपने देखा कि सारे भाउचर के शॉर्टकट्स मैंने उनके सामने लिख दिया, क्योंकि हर क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट भाउचर में बनेगा, कारण है उसका, उसकी प्रॉपर्टी जैसे थी हमने वैसे सेट की। डन। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे टैली में। उसके लिए सबसे पहले आपको टैली ओपन कर लेना है, फिर यहाँ पे F3 दबाकर नया कंपनी क्रिएट करना है। कंपनी का नाम क्या रहेगा? कंपनी का नाम हम रख ले रहे हैं प्रैक्टिस वन। यहाँ पर हम बिहार रख लेंगे, बाकी चीज़ें
एडिटिज, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ गए, अब क्या करना है, तो अब हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है रिसिप्ट भाउचर का। अच्छा, उससे भी पहले ज़रूरी क्या है, उससे भी पहले ज़रूरी है कि आप इनका लेज़र बनाएं। लेकिन मैं आज आपको एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ कि अगर आपने लेज़र पहले से नहीं बनाया है तो आप डायरेक्ट लेज़र को बनाना सीखिए, ठीक है। और डायरेक्ट लेज़र ही आगे ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ हम पहले से लेज़र बना के नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट लेज़र बनाते जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं डायरेक्ट लेज़र बनाना भी आपको बता दे रहा हूँ। इसके लिए सीधा आपको कहाँ चला जाना है, भाउचर में, ठीक है। सीधे के सीधा हम ना कहाँ चले गए, भाउचर में। पहला भाउचर आपका आएगा F6, तो आपने दबाया F6 मतलब रिसिप्ट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो मांगा जा रहा है वो दे दीजिए। पहले क्रेडिट मांग रहा है इसलिए कैपिटल देंगे, बाद में कैश मांग रहा है इसलिए डेबिट में कैश देंगे, तो क्रेडिट मांग रहा है, ठीक है, तो क्रेडिट में कैपिटल देना है। बट इस लिस्ट में कहीं भी मुझे कैपिटल नहीं दिखा, और जब लिस्ट में कोई लेज़र नहीं होता है तो सिंपली आपको उसे क्या करना होता है, क्रिएट कर लेना होता है यहाँ से। अब क्रिएट में क्या लिखेंगे, तो क्रिएट में हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही होता है, ठीक है। और कितना है, तो ये है 50,000, ठीक है, 50,000। फिर उसके बाद डेबिट कौन होया, तो डेबिट होगा कैश, डन। तो ये ट्रांजेक्शन बन गई, यहाँ पर एंट्री करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। पहला ट्रांजेक्शन हमारा डन हो गया रिसिप्ट भाउचर का प्रयोग करके। याद रखिए, भाउचर को बार बार बदलना पड़ेगा, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन एक ही भाउचर से पास नहीं हो सकते यहाँ। अब भाउचर को बार बार हमें बदलना होगा, तो अब हमें दबाना है F5 की, ताकि पेमेंट भाउचर एक्टिव हो जाए। और पेमेंट भाउचर जब एक्टिव होगा तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन पेमेंट भाउचर के हैं। फर्नीचर खरीदना है कैश देकर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे डेबिट में आपको फर्नीचर अकाउंट डालना है, बट इस लिस्ट में कहीं फर्नीचर है नहीं, सो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना है फर्नीचर अकाउंट, जो कि एक फिक्स असेट है, इसलिए यहाँ पे फिक्स असेट डालकर और कंट्रोल ए करा के एक्सेप्ट करा दीजिए। फर्नीचर कितने का खरीदा है, तो 15,000 का फर्नीचर खरीद लिया, 15,000 का। क्रेडिट कौन हुआ, तो क्रेडिट हुआ है कैश, कैश को यहाँ से दे दिया, ठीक है, 15,000, कंट्रोल ए दबा के एक्सेप्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन है मशीनरी डेबिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है 20,000 रुपये से, तो डेबिट हुआ है मशीनरी, यानी पेमेंट भाउचर का क्वेश्चन है, तो यहाँ बनाना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट, अंडर ग्रुप क्या होगा, फिक्स असेट ही होगा। और मशीनरी कितने की है, तो मशीनरी आप देख सकते हो कि 20,000 की है, तो यहाँ पर 20,000 डाला हमने, और ये पैसे कहाँ से जा रहे हैं, तो ये पैसे जा रहे हैं कैश से, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, डन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है बैंक में डिपॉजिट करने हैं आपको कुछ पैसे, और जब भी बैंक में डिपॉजिट करने की बात आएगी तो वहाँ कॉन्ट्रा भाउचर का यूज़ किया जाएगा। कॉन्ट्रा भाउचर F4 से आता है, तो आपको सिंपली यहाँ से F4 की दबाना है, ताकि आपका यहाँ कॉन्ट्रा भाउचर एक्टिव हो जाए। और उसके बाद ये जो ट्रांजेक्शन है जिसमें बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट में तो हमारा कैश है, चलो, तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया, कैश में 10,000, ठीक है। डेबिट में कौन होगा, तो डेबिट में होगा हमारा बैंक अकाउंट, तो डेबिट में बैंक अकाउंट को आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट में नहीं है। अब बैंक में वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जो आपको बैंक लगे सही, वो आप यूज़ कर सकते हैं, आपके हिसाब से, आपके पास जो खाता है उसको बनाएंगे। बैंक अकाउंट हमेशा क्या होता है, बैंक अकाउंट ही होता है। और बाकी की डिटेल अगर आपको भरनी है तो ठीक, नहीं तो एक्सेप्ट कराइए, ओके। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी 5 तारीख की, जिसमें हमें कैश अकाउंट डेबिट और सैलरी रिसीव अकाउंट को क्रेडिट दिखाना है, और ये ट्रांजेक्शन बनेगी हमारी रिसिप्ट भाउचर से। रिसिप्ट भाउचर में हम गए, हमें यहाँ पर सैलरी रिसीव के खाते को क्रेडिट करना है, और क्रेडिट में आप देखो यहाँ कहीं सैलरी रिसीव का खाता नहीं है। इसके लिए आपको जाना है, क्रिएट करना है, सैलरी रिसीव करना है, सैलरी रिसीव अकाउंट, और उसके बाद में आपको सैलरी रिसीव जो है इनडायरेक्टली इनकम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इनडायरेक्ट इनकम कर लेनी है।
बाकी यहाँ सैलरी कितने की रिसीव हो रही है तो वो आप देख सकते हैं, सैलरी रिसीव हो रही है आपको 6,000 की, तो यहाँ 6,000 डाल देना है और सैलरी रिसीव होकर जा कहाँ रही है, कैश में, तो कैश में आपका डेबिट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। अब अगर हम देखें तो 6 तारीख को क्या हुआ है, रेंट पेड हुआ है और कैश में, तो ये जब भी पेड की बात आएगी तो वो पेमेंट वाउचर में जाएगा। पहले इसको एक्सेप्ट कर लिया, पेमेंट वाउचर में गए, पेमेंट वाउचर में जाने के बाद आपको क्या करना है, रेंट पेड अकाउंट को डेबिट करना है, ठीक है, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो डेबिट मांगा जा रहा है तो आपको यहाँ रेंट पेड बनाना होगा, उसके लिए क्या लिखेंगे, रेंट पेड अकाउंट अंडर ग्रुप इनडायरेक्टली एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और रेंट पेड हो रहा है कितने का, तो रेंट पेड हो रहा है 4,000, तो यहाँ 4,000 डाल दिया। उसके बाद ये पैसे कहाँ से जा रहे हैं, कैश से, तो कैश डाल दिया हमने, एक्सेप्ट कराया। फिर अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला है कि रमेश के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं बैंक के द्वारा, ठीक है, 6,000, तो ये भी किसका है क्वेश्चन, पेमेंट वाउचर का ही। पैसे किसको दिए जा रहे हैं, रमेश को, रमेश हमारे पास है नहीं तो बनाना पड़ेगा रमेश अकाउंट। जब आप किसी को पैसे देते हैं तो उसे डेटर बनाना होता है, तो हमने इसको डेबिटर बनाया और एक्सेप्ट कराया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने रमेश के खाते को डेबिट कर दिया 6,000 से और कैश के खाते को क्रेडिट कर लिया है, ठीक है। अब इसे एक्सेप्ट करा देंगे, डन। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है सैलरी पेड, तो फिर से ये किस में बनेगा, पेमेंट वाउचर में ही बनेगा। 5,000 की सैलरी दे रहे हैं कैश से, तो पेमेंट वाउचर में आप देखो सैलरी रिसीव का खाता है बट पेड का नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। क्रिएट में गए, हमने बनाया सैलरी पेड, और सैलरी पेड इनडायरेक्टली एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। उसके बाद में सैलरी पेड हमें 5,000 की हो रही है, डन, और किससे, तो कैश से, ठीक है, ओके। इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने एरर कर दिया है, वो क्या है, तो वो है कि बैंक से ये 6,000 रुपये देने थे और मैंने यहाँ पर गलती से दे दिए, कोई बात नहीं, इसको एक्सेप्ट कराते हैं और पेजअप करके हम पिछले में जाते हैं। यहाँ पर कैश नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, बैंक होगा, सॉरी फॉर डैट, यहाँ पर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, डन। तो अब आप देखो तो पेज अप करके, हाँ, सैलरी पेड हो गई, डन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, रमेश दे रहा है, रमेश को ये जो पैसे हमने लौट दिए थे ना, यही लौट आ रहा है, ठीक है, तो यही पैसे को लौटा रहा है, इसलिए बैंक का खाता क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा और रमेश का खाता क्रेडिट हो जाएगा, 6,000 लौटा रहा है, रिसिप्ट वाउचर में ये क्वेश्चन बनेगा। F6 दबाना है और दे कौन रहा है पैसे, रमेश, इसलिए रमेश का खाता क्रेडिट होगा, कितना दे रहा है, 6,000, देखो इसके नाम पे 6,000 दिखा रहा होगा, ऑन अकाउंट करना है और ये पैसे आपके कहाँ जा रहे हैं, बैंक में, तो बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जा रहे हैं, डन, एक्सेप्ट करा दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको कैश अकाउंट को डेबिट करना है, बैंक को क्रेडिट करना है, ये क्वेश्चन है कॉन्ट्रा भाउचर का, क्योंकि ये विड्रॉ हो रहा है, तो आपको जाना है F4 दबाना है कॉन्ट्रा भाउचर में, और कैश डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा 8,000 से, तो यहाँ से बैंक को क्रेडिट कर लेंगे, कितना, 8,000, और उसके अलावा डेबिट कौन होगा फिर, कैश। तो ये हो गया हमारा आखिरी क्वेश्चन। अब अगर मैं बात करूं कि हमारा ये पूरा जर्नल बनाने के बाद क्या आना चाहिए लेज़र, तो लेज़र आप देख सकते हैं, हम सीधा देखेंगे क्या, हम सीधा देखेंगे ट्रायल बैलेंस को, ट्रायल बैलेंस आना चाहिए 56,000 का, तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस आप देख सकते हैं जैसा कि आ गया है 56,000। अगर मिलाना है तो मिला सकते हैं, कैपिटल कितने की है, 50,000 की, फर्नीचर कितने का है, 15,000 का, आप यहाँ पे मिलाकर देख सकते हैं, कैपिटल है 50,000, फर्नीचर कितना है, 15,000, मशीनरी, पूरा ट्रायल बैलेंस आप मिला लीजिएगा एक बार और ये देख सकते हैं आ गया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो है हम लोग ट्रांजेक्शन्स को करते हैं जो मिक्स होते हैं, जो किसी एक वाउचर से रिलेटेड नहीं होते हैं बल्कि मल्टीपल वाउचर से रिलेटेड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वाउचर्स हो, ठीक है। तो हमने यहाँ 3 वाउचर्स को एक साथ देखा, हमने कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट तीनों देखा, अलग अलग एक बार देखा, एक बार मिला के देख लिया। तो इस वीडियो के बाद अब हम लोग का वाउचर टाइप बदलेगा
और वहाँ से हम लोग आगे की चीज़ें सीखेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।